Hello and welcome back, dear friends, once again at Lit eCity YouTube channel, your one-stop destination for English learning resources. दोस्तों हम बात कर रहे हैं figures of speech जो हमारी series चल रही है. We have seen different types of figures of speech. जो हमारी आज की class है वो बात करेगी figures of arrangement. देखिए यहाँ जो arrangement से मतलब है वो है कि एक पर्टिकुलर वर्ड या फिर एक फ्रेज, एक पूरे सेंटेंस के अंदर जो सिंटैक्स होता है, जो ऑर्डर होता है, जो नॉर्मल ऑर्डर होता है, उसको थोड़ा सा चेंज अगर कर दिया जाए, अरेंज कर दिया जाए, उसको उसके पीछे बेसिक जो पर्पस होता है वो होता है इस तरह से एक इफेक्ट क्रिएट करना कि जो रीडर है उसकी अटेंशन बिकॉज ऑफ दिस ऑल्टरेशन जो उसमें चेंज हुआ है उस पर्टिकुलर वर्ड, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे जाती है और वहीं से उसका एक रेटोरिकल क्वालिटी आता है. हम देखेंगे इसके अंदर रेटोरिकल क्वेश्चन, एनास्ट्रोफी, हाइपेलेज, हाइपरबेटन और ट्मेसिस, ये सारी जो फिगर्स हैं इनको आज हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं. सो देयर आर सर्टेन रेटोरिक डिवाइसेस, अलग अलग टाइप्स की होती हैं, कंपैरिजन से रिलेटेड होती हैं, हमने बहुत सारी डिस्कस भी करी हैं. तो ये जो रेटोरिकल डिवाइसेज हैं इनका जो स्पेशल सेंस है, इनकी जो रेटोरिक क्वालिटी है वो कहाँ से निकल कर आती है? चेंज इन द नॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस और इवन द कंप्लीट स्ट्रक्चर. जो स्ट्रक्चर होता है या फिर हम ये कहें कि जो जैसे हम रेटोरिकल क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, जो एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन का पर्पस होता है, जो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर चेंज कर दिया जाता है. दोस्तों ऐसी ही डिवाइसेस को हम डिवाइसेस ऑफ अरेंजमेंट कहते हैं एंड देयर मेन पर्पस, जैसा ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, इज टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर थ्रू द डिवाइस ऑफ डीफेमिलियराइजेशन. देखिए डीफेमिलियराइजेशन वैसे तो फॉर्मलिज्म, जो फॉर्मलिस्ट थियरी है उससे ली गई टर्म है, लेकिन हम इसको अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. डीफेमिलियराइजेशन का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत फेमिलियर हो चुकी है, जिसकी वजह से उसका जो नॉवेल्टी है, जो एक सेंस ऑफ डिफरेंस है, वो खत्म हो चुका है. उस चीज को एक अलग वे के अंदर जब हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि वो हमारे सामने एक न्यू मीनिंग कलेवर लेकर आती है, तब हम उसे डीफेमिलियराइजेशन कहते हैं. और जो आज हम फिगर्स देखेंगे उनकी जो रेटोरिक अपील है, चाहे वो पर्सुएशन हो, चाहे वो इमोशन को इवोक करना हो, चाहे वो वेहमेंस को, पैशन को दिखाना हो, वो सारा किन के थ्रू आता है? इसी अरेंजमेंट से आता है. तो पहली डिवाइस जिसके बारे में बात करेंगे काफी कॉमन है, मैं थोड़ा सा एडवांस भी इसके बारे में आपको बताऊंगा, दैट इज रेटोरिकल क्वेश्चन. देखिए बेसिकली एक रेटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है, हम यो कह सकते हैं रेटोरिकल क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन दैट इज नॉट अ क्वेश्चन. कहने का मतलब यह है कि एक रेटोरिकल क्वेश्चन एक ऐसा ट्रोप है, एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर अ क्वेश्चन इज मेड. स्पीकर एक क्वेश्चन तो करता है बट इट रिक्वायर्स नो रिप्लाई. नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए क्वेश्चन? हम एक इंटरोगेटिव का यूज क्यों करते हैं? टू सीक सम इंफॉर्मेशन, हमें कोई जानकारी चाहिए होती है. तो हम बेसिकली क्या सोचते हैं, हम एंटिसिपेट करते हैं कि व्हाट वी आर आस्किंग देयर शुड बी अ रिप्लाई. लेकिन यहां पर रेटोरिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन का पर्पस कोई इंफॉर्मेशन लेना नहीं होता है. इट इज नॉट मेड फॉर सम इंक्वायरी, इसके लिए कोई इंक्वायरी नहीं है, बट फॉर सम एम्फेसिस और टू पर्सुएड. एक जो असर्टिव सेंटेंस होता है, जो एफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, वो एक स्टेटमेंट बनाता है, वो एक सिंपल नॉर्मल वे है. लेकिन अगर हम इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर को इस तरह से यूज करें कि उससे हम इंफॉर्मेशन लेने के बजाय कोई एसर्शन करें, तो हम निश्चित रूप से ज्यादा एम्फेसिस या पर्सुएड कर सकेंगे. उसी को हम रेटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं. तो रेटोरिकल क्वेश्चन का डेरिवेशन देख लेते हैं. ये ग्रीक वर्ड रेटोरिक से आता है, जो हम सारे डिवाइसेस कर रहे हैं, जिसका मीनिंग होता है रिलेटेड विद ऑरेटोरिकल. ऑरेटर्शन से रिलेटेड जो होता है द आर्ट ऑफ स्पीकिंग,
किस तरह से आप अपनी ऑडियंस, आप अपने रीडर्स को इन्फ्लुएंस करते हो, वो रेटोरिक आर्ट कहलाती है। और एक और ग्रीक इसके अंदर रूट लगता है एरोटेमा। एरोटेमा का अपना मीनिंग भी क्वेश्चन ही होता है, तो इन दोनों से निकलकर ये वर्ड रेटोरिक आया है। नाउ जैसे मैंने कहा था, थोड़ा सा एडवांस देखेंगे। देखिए जो रेटोरिकल क्वेश्चन है वो बहुत तरीकों से क्रिएट किया जा सकता है उसका इफेक्ट। हम दो तीन इंपॉर्टेंट वेज को देखेंगे। सो देयर कैन बी वेरियस फॉर्म्स इन विच अ रेटोरिकल क्वेश्चन कैन बी मेड। सबसे पहला है हाइपोफोरा एंड एंथिपोफोरा। टर्म्स हो सकता है थोड़े से नए से लगे, डिफिकल्ट से लगे, लेकिन बिल्कुल सिंपल काम है। व्हेन अ स्पीकर आस्क्स अ रेटोरिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स इट हिमसेल्फ हरसेल्फ, दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज हाइपोफोरा एंड एंथिपोफोरा। कहने का मतलब यह हुआ कि एक स्पीकर ने क्वेश्चन पूछा और खुद ही उसका जवाब भी दे दिया। सो ऑब्वियसली वो जो सामने पर्सन है उससे इंफॉर्मेशन नहीं चाह रहा है, वो एक पॉइंट क्रिएट करना चाह रहा है। तो जो क्वेश्चन पार्ट है उसको तो हम कहते हैं हाइपोफोरा, और जो उसका दिया हुआ आंसर का पार्ट है उसको हम कहते हैं एंथिपोफोरा। जो क्वेश्चन पार्ट हो गया आपका हाइपोफोरा और आंसर रेस्पॉन्स पार्ट हो गया एंथिपोफोरा। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये देखिए शेक्सपियरियन प्ले से लिया गया है, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट से। व्हाट इज ऑनर अ वर्ड, ये हुआ क्वेश्चन हाइपोफोरा और ये हुआ इसका रेस्पॉन्स एंथिपोफोरा। व्हाट इज इन दैट वर्ड ऑनर, व्हाट इज दैट ऑनर, ये क्वेश्चन पार्ट हाइपोफोरा। एयर अ ट्रिम रेकनिंग, ये एंथिपोफोरा, ये इसका रेस्पॉन्स पार्ट हो गया। ये डायलॉग नहीं चल रहा है कि एक जना पूछ रहा है दूसरा जवाब दे रहा है, ऐसा हो जाता तो रेटोरिकल क्वेश्चन ही नहीं रहता, सिंपल क्वेश्चन आंसर होते। यहां पर एक ही पर्सन पहले एक क्वेश्चन पुट करता है और उसके बाद खुद ही उसका आंसर देता है। दूसरे टाइप का जो आपका रेटोरिकल डिवाइस है वो है एपिप्लेक्सिस, या इसी का लैटिन टर्म है पर कंटेटियो। तो देखिए इसमें क्या होता है, व्हेन अ स्पीकर आस्क्स अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, एक के बाद क्वेश्चंस की झड़ी लग जाती है, एंड टू शो फ्लॉज इन द आर्ग्यूमेंट रिप्रोच एंड ओपोनेंट और एम्फेसाइज द पॉइंट, हम कह सकते हैं एक वेहमेंस के साथ, बड़ी ही पैशन के साथ, विदाउट गिविंग द चांस टू योर ओपोनेंट टू रिप्लाई, देयर इज अ फ्लरी ऑफ क्वेश्चन, एक के बाद खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, दिस इज नोन एज एपिप्लेक्सिस और पर कॉन्टेटियो। तो देखिए, डज माई सेसीनेस अपसेट यू, वाई आर यू बिसेट विद ग्लूम, माया एंजलू की स्टिल आई राइज की फेमस है। मैंने तो केवल दो ही इसमें लाइन्स ली है, पूरी जो पोयम है वो डिजाइन की गई है कुछ ऐसी ही सीरीज ऑफ क्वेश्चन से, लगातार ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन करती है, और बहुत कॉमन डिवाइस है। हो सकता है आपने ये टर्म टेक्निकल है जो नहीं सुनी हो, लेकिन जब आप पोइट्री या प्रोज के अंदर पैसेजेस ऑफ पैशन देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये सीरीज ऑफ क्वेश्चन बहुत कॉमन पार्ट है। चलिए हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट डिवाइस की तरफ, जिसका नाम है हाइपरबेटन। दोस्तों जो हाइपरबेटन है, इट इज अ रेटोरिकल डिवाइस इन विच द नॉर्मल वर्ड ऑर्डर इन अ सेंटेंस और फ्रेज इज ऑल्टर्ड। हाइपरबेटन एक अम्ब्रेला टर्म हो गई। अम्ब्रेला टर्म का मतलब है कि कैसा भी ऑल्टरेशन हो हम उसे हाइपरबेटन कह सकते हैं। हाँ, अलग अलग टाइप का जो अल्टरेशन आगे अपन देखेंगे उनके लिए कुछ अलग टेक्निकल टर्म्स भी हैं। इट इन्वॉल्व्स द इंटेंशनल रीअरेंजमेंट, इट इज नॉट अ ग्रामेटिकल मिस्टेक, रिमेंबर दिस। ये राइटर के द्वारा जान पूछ कर एक रीअरेंजमेंट किया जाता है, ऑफन फॉर एम्फेसिस, क्योंकि रीडर की अटेंशन उस पर चली जाती है, स्टाइलिस्टिक इफेक्ट, कई बार एलिट्रेशन के लिए, कई बार रिदम के लिए इसको करा जाता है, और टू क्रिएट अ पोएटिक रिदम। द टर्म हाइपरबेटन अगर हम बात करें, इट डिराइव्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हाइपर विच मींस ओवर और बियॉन्ड एंड बेनो टू स्टेप। सो ओवर द स्टेप करने का मतलब क्या हो गया, ट्रांसपोजिशन। इसका मतलब जो ऑर्डर इस तरह से चल रहा था उस ऑर्डर के अंदर ये वाला एलिमेंट यहां पर आ गया, ये वाला एलिमेंट यहां आ गया, किसी भी तरह का जो चेंज करा उससे हम कहते हैं हाइपरबेटन का डिवाइस हुआ। देखिए
सम राइज बाय सिन एंड सम बाय वर्च्यू फॉल। अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर सब्जेक्ट तो वहीं का वहीं है, पहले आ गया आपके प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट और वर्ब चली गई बाद में। शेक्सपियर के मेजर फॉर मेजर से लिखा हुआ बहुत शानदार ये लाइन है। एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। अब वापस से देखिए जो वर्ब पार्ट है वो वर्ब पार्ट जो है वो बाद में आ रहा है, मेड ऑफ क्ले एंड वेटल्स। ये इसका क्या होना चाहिए था, नॉर्मल अरेंजमेंट होना चाहिए था मेड ऑफ क्ले एंड वेटल्स, जबकि जो मेड पार्ट है वो बाद में आ गया। ये द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री से लिया गया। ब्राइट एज द सन हर आईज द गेजर्स स्ट्राइक। देखिए वापस से जो सब्जेक्ट है हर आईज वो क्या हो गया, वो ट्रांसपोज्ड हो गया, उसकी पोजीशन चेंज हो गई है और पहले क्या आ गया है, पहले एक एडवर्बियल आ गया है। तो इस तरह से एक राइटर फॉर वेरियस रीजंस क्या करता है, इस तरह का ऑल्टरेशन करता है, और कैसा भी ऑल्टरेशन हो अम्ब्रेला टर्म हाइपरबेटन को हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह का एक बड़ा और इंटरेस्टिंग डिवाइस हम देखते हैं जिसका नाम है हाइपेलेज, या फिर जिसको हम ट्रांसफर्ड एपिथेट भी बोलते हैं। देखिए दोस्तों एपिथेट का मतलब होता है एन एडजेक्टिव, एक ऐसी चीज जो डिस्क्राइब करने के काम आए, मॉडिफाई करने के काम आए। ट्रांसफर का मतलब हम जानते ही हैं, टू पुट वन थिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट या हाइपेलेज यही काम करता है। इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ हाइपरबेटन। इट इज अ रेटोरिकल डिवाइस ऑफ इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है चेंजिंग ऑर्डर। किस तरह से, एन एडजेक्टिव मेंट फॉर वन नाउन, एक एडजेक्टिव जो किसी नाउन का मॉडिफायर है मानकर चलते हैं, सपोज करके चलते हैं, इज इंस्टीड अटैच टू अनदर नाउन विच इट डज नॉट लॉजिकली मॉडिफाई। कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे अगर फ्रेज है जिसके अंदर एक्स नाउन है और ए इसका मॉडिफायर है, प्लस वाई यहां पर अनदर नाउन है जिसमें मॉडिफायर की जरूरत नहीं है, ये जो एडजेक्टिव है एक्स की बजाय ट्रांसफर होकर कहां चला जाता है, वाई पर चला जाता है। दोस्तों मॉडिफाई तो ये अभी भी एक्स को ही करता है क्योंकि लॉजिकली वाई के साथ ए का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन पोजीशन वाइज ये चेंज होकर कहां आ जाता है, वाई के पास आ जाता है। इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलते हैं। अगर हम ग्रीक टर्म हाइपेलेज की बात करें, ये हाइपो वापिस से हम देखें, देख चुके हैं, ओवर या बियॉन्ड, एंड एलेसन टू चेंज, या फिर चेंज करना, इंटरचेंज करना, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर आ जाना, इसी को हम हाइपेलेज बोलते हैं। This transfer often results in vivid and evocative description, क्योंकि जो रीडर है वो प्रीसपोज करके चलता है कुछ कॉम्बिनेशन। जैसे अगर यहां पर ओल्ड मैन, या फिर अगर हम लिखें लार्ज हाउस, यहां पर नाउन और जो एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अपन ये कहें कि जाना पहचाना है। इजीली हम क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि अगर ये एडजेक्टिव है ये नाउन है तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या करते हैं, यहां से ओल्ड हटाकर मैन के साथ लगा हुआ है कोई दूसरा नाउन जिसके साथ ओल्ड का कोई लेना देना नहीं है, वहां पर जाकर लग जाता है। तो अचानक हमारे दिमाग में कंफ्यूजन होता है और एक विविडनेस, इवोकेटिवनेस या पोएटिक नॉवेल्टी क्रिएट होती है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल तो बहुत ही क्लासिकल है, द प्लोमैन प्लॉट्स अ लॉन्ग एंड वियरी वे। अब देखिए वियरी वे, ग्रे ने जब ये काम किया तो एक साथ उन्होंने बहुत सारे एम्स अचीव करे। पहला तो उन्होंने एक एलिटरेटिव इफेक्ट क्रिएट कर लिया यहां पर वियरी वे। दूसरी बात, ये जो वियरी थका हुआ, हु इज वियरी, वियरी इज ऑब्वियसली प्लोमैन, तो यहां पर ये ए पार्ट होना चाहिए था, ये एक्स नाउन थी, ये वाई नाउन है, लेकिन ये जो ए है ये ट्रांसफर होकर कहां आ गया, यहां पर आ गया, एलिट्रेशन का एलिट्रेशन हो गया, साथ ही के अंदर एक नया इफेक्ट क्रिएट हो गया। ओनली द मॉन्स्ट्रस एंगर ऑफ द गन्स, यहां पर एंगर जो है गन्स का है या उन सोल्जर्स का है,
इट्स अ वार पोएम, और बहुत बढ़िया विल्फ्रेड आविन ने एंथम फॉर द डूम्ड यूथ के अंदर क्रिटिसाइज करा था वार और सोल्जर्स की जो लाइफ होती है उसको पॉइनेंटली प्रेजेंट करा था. तो एंगर ऑफ द गन्स, देखिए कहां पर, हालांकि यहां पर ये एपिथेट की बजाय हम क्या कहेंगे कि इट इज बेसिकली अ नाउन, लेकिन यहां पर भी काम वही का वही हो रहा है. एक और फनी एग्जाम्पल लेते हैं. एज आई सैट इन द बाथटब सोपिंग अ मेडिटेटिव फूट एंड सिंगिंग. अब देखिए मेडिटेटिव एक एडजेक्टिव किसके साथ लगा हुआ है, फुट नाउन. नाउ हु इज मेडिटेटिव, मेडिटेटिव इज बेसिकली आई दिस पर्सन, लेकिन लगाया किसके ऊपर, फुट. यहां पर जो इफेक्ट है वो कॉमिक ह्यूमरस इफेक्ट के लिए क्रिएट किया गया है. तो ट्रांसफर्ड एपिथेट बहुत सारे अलग अलग पर्पस को सॉल्व करता है. नेक्स्ट हम जो डिवाइस देखेंगे दोस्तों वो है एनेस्ट्रॉफी, अ रेटोरिकल डिवाइस इन विच द नॉर्मल वर्ड ऑर्डर ऑफ अ क्लॉज, जो इंग्लिश ग्रामर के अंदर सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है उसको रिवर्स कर दिया जाता है. नॉट लाइक पैसिव, पैसिव में भी आप कहते हैं कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, लेकिन वो एक प्रॉपर तरीका है जिसके अंदर हम बाद में बाय या विद लगाकर सब्जेक्ट को मेंशन करते हैं. इसमें हम वी टेक लिबर्टी विद द ग्रामर, हम बगैर पैसिवाइजेशन करें इस ऑर्डर को चेंज कर देते हैं. इट क्रिएट एम्फेसिस ऑन अ स्पेसिफिक वर्ड, जैसा जो हमारा पैसिव का पर्पज होता है ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना, और alters the rhythm of the sentence. Anastrophe is derived from the Greek words ana, which means back, and strephen, which means to turn. So it is basically SVC. इस तरह से हम जा रहे थे, अचानक वो क्या हो गया है, S V O या C से क्या हो गया है, O C V और S, ये structure बन जाता है, तो totally turn हो जाता है. देखिए टैलेंट मिस्टर मिकबर हैज, कैपिटल मिस्टर मिकबर हैज नॉट. यहां पर आप देखेंगे ये कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है. तो देखिए कॉम्प्लीमेंट पहले चला गया, सब्जेक्ट इधर आ गया, वर्ब सेम. इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट वर्ब. दो डेविड कॉपरफील्ड के मिस्टर मिकबर करेक्टर है. डीप इन टू दैट डार्कनेस पियरिंग, Long I stood there wondering, fearing. यहां पर आप देख सकते हैं वापिस से ये सब्जेक्ट है, ये एडवर्ब है. तो एडवर्ब, वैसे तो एडवर्ब एक फ्लेक्सिबल पार्ट है जो कहीं पर भी लग सकता है, मूवेबल होता है, लेकिन यहां पर जो स्पेशल इफेक्ट है लॉन्ग, तो वो क्रिएट करता है पॉइंट के पोएम के अंदर उस इफेक्ट को कि कितना मेडिटेटिव और डीप एंजाइटी के साथ वो जो स्पीकर है डिस्क्राइब कर रहा है. एक और डिवाइस थोड़ा सा कम सुना होगा आपने, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है ये डिवाइस. ये है टमेसिस. टमेसिस जो है एक वो रेटोरिकल डिवाइस है जिसके अंदर We insert a word or phrase in the middle of a compound, a word or well-known phrase. एक compound word है. Compound word का मतलब ही क्या हो गया कि X और Y को आपने मिलाकर साथ में रखा हुआ है. अब आप क्या करें, X और Y के बीच में एक और word को insert कर दें. That is known as tmesis. So it's basically by splitting a word. आप क्या कर रहे हैं, X और Y जो compound था उसको आप split कर रहे हैं. The author draws attention to its individual parts and the meaning they convey. देखिए, if on the first how heinous ever it be to win thy after love I pardon thee. Richard second से देखिए, ये देखिए how ever, ये जो word था how ever, इसके अंदर क्रिएट किया गया एडजेक्टिव हाउ के साथ कीनस, ठीक है. इसी तरह से इन व्हाट टॉनशिप सो एवर, देखिए व्हाट सो एवर इसके बीच में क्या ऐड कर दिया गया, टॉनशिप. दैट शिप शैल बी माय एम्ब्लेम. व्हाट सी सो एवर, व्हाट सो एवर के बीच में क्या ऐड कर दिया गया, सी. स्वेलो मी, दैट फ्लड शैल बी टू मी एन एम्ब्लेम ऑफ थाय ब्लड. डन के हिम टू क्राइस्ट से ली गई है. तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ डिवाइसेस ऑफ अरेंजमेंट, तरह तरह के ऑल्टरेशन से एक नया इफेक्ट, एक नॉवेल्टी का इफेक्ट क्रिएट किया जाता है. यही पर्टिकुलर पर्पस होता है कि रीडर के अटेंशन को ड्रॉ करना. दोस्तों ये जो हमारी सीरीज है, कुछ और इंपॉर्टेंट डिवाइसेस बची हैं,
आने वाली एक दो क्लासेस में हम उनको कवर करने की और खत्म करने की कोशिश करेंगे. तब तक देखते रहिए, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग. थैंक यू फ्रेंड्स.